हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मिसाइल्स के बारे में, और ख़ास करके जो मिसाइल्स हमारे DRDO से रिलेटेड हैं, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये आज का वीडियो। तो इसे पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे लाल बटन होगा उसको जा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि DRDO पर मैं काफ़ी वीडियोस भविष्य में मेरी आती रहेंगी जो कि इम्पॉर्टेंट होंगी आप सभी के लिए, और आप लोग उसको बिल्कुल भी छोड़े ना। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकदम विस्तार से इंडियन मिसाइल्स के बारे में, और ये सिर्फ DRDO के लिए ही नहीं, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको उसके बारे में दोबारा कभी पढ़ना नहीं होगा, आप एकदम रट जाएंगे कितनी मिसाइलें हैं, क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया है, पहले से मुझे जानकारी थी लेकिन मैंने अपनी जानकारी को और परफेक्ट और एक्यूरेट करके अब आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मिसाइल कितने प्रकार की होती है। मिसाइल जनरली दो प्रकार की होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो प्रोजेक्टाइल उस पर काम करती है, मतलब जैसे कि अगर आप कोई गेंद फेंकते हैं तो आप फेंकने पे तो जोर लगा रहे हैं, ठीक है। आप फेंके, वो एक ऊंचाई तक गई, आपके ने जिस ताकत से फेंका था उस ताकत से, उसके बाद वो अपने आप नीचे वो पाथ, जिस पाथ पे वो जा रही है वो उस पर आराम से, मतलब जाते हुए ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल कुछ उसी तरह काम करती है। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि हम एक बार उसको फोर्स देते हैं, पावर देते हैं एक निश्चित अमाउंट में, एक फिक्स्ड अमाउंट में, जहाँ तक हमें उसे भेजना है, जिस जगह भेजना है, और उसके बाद वो एक ऊंचाई अपना अटेन करती है, फिर उसका इंजन ऑफ हो जाता है और वो अपनी जो रफ्तार मेंटेन की रहती है उसी हिसाब से वो ग्रेविटी के हिसाब से अपने टारगेट पे गिर जाती है। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो हमारे यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जैसे कि पृथ्वी है, अग्नि है, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो क्रूज मिसाइल वो होती है जो पूरा A to Z उनका जो पाथ होता है वो फिक्स होता है, और वो अपने मतलब ग्रेविटी से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। वो जिस जैसे एरोप्लेन खुद मूव करता है अपने हिसाब से, जहाँ भी उसे जाना होता है वैसे वो भी खुद ही मूव करता है। अगर उसे ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं मुड़ना होगा वो पूरा अपने हिसाब से वो अपने चीज़ों को कंट्रोल करेगा, अपने नेविगेटिंग जो भी पाथ उसको दिया गया होगा और जिस पे उसको शूट किया गया होगा। तो हमारे यहाँ जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो हैं ब्रह्मोस और निर्भय, ठीक है। ब्रह्मोस ये लॉन्ग रेंज की एक क्रूज मिसाइल है, और ये जनरली लो एल्टीट्यूड पर ही उड़ती हैं, ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर नहीं जाते हैं, ताकि वो रडार्स के द्वारा ट्रैक ना किए जा सके। तो ये थी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की डेफिनेशन, आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं कि DRDO और मिसाइल्स की शुरुआत आखिर भारत में हुई कैसे। तो समय था 1980s चल रहे थे, तो उस समय क्या होते थे कि हम लोग रसिया वगैरह से मिसाइल्स खरीदते थे। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर हम किसी दूसरे की बनी बनाई टेक्नोलॉजी को खरीदेंगे तो वो हमें सस्ते में ना देगा, और पहली बार टेक्नोलॉजी तो देगा ही नहीं, मिसाइल्स वगैरह देगा लेकिन वो भी बहुत सारी महंगे महंगे पैसों में मिलती है। तो आत्मनिर्भरता हर चीज़ में, एक अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, तो आपको आत्मनिर्भर होना पड़ता है। उस समय इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, वो प्रधानमंत्री थी, और उस समय जो है भारत ने सोचा, मतलब भारत ने सोचा कि अब वो समय ऐसा था कि मतलब ये हुआ कि अब हम लोग अपनी खुद की मिसाइल्स डेवलप करेंगे। उस समय इसरो भी बहुत अच्छा, उसका भी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। तो 1982-83 में DRDO और जो DRDO के साथ मिलकर काम करने वाले हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है और भी सारी कई कंपनियां हैं, PSUs हैं, तो उन लोगों ने मिलकर एक नया इंटीग्रेटेड मिसाइल, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने कई मिसाइल्स डेवलप करनी थी, और 2008 में जा करके ये जो प्रोजेक्ट था वो पूरा हो गया है, और जो अग्नि मिसाइल है हमारी, पृथ्वी मिसाइल है, और एक दो मिसाइलें हैं वो सभी डेवलप की जा चुकी हैं। अब वो सबके एडवांस वर्जन्स पे काम चल रहा है, उसके बारे में भी हम विस्तार से देखेंगे। तो 1982 और 83 ये जो ईयर था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और उस समय 1958 में APJ अब्दुल कलाम ने DRDO ज्वाइन किया था, फिर छोड़ दिया था, और उसके बाद वो चले गए थे इसरो में, और फिर उसके बाद 1982 में उन्होंने रीज्वाइन किया था, और उनको मेन जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके वो एक तरह से चीफ थे, डायरेक्टर थे, और इसीलिए उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो उनका योगदान बहुत ही बड़ा है, तो आप लोग ये भी जानिए। और अब हम बात करते हैं कि क्या क्या मिसाइल्स हैं, पहले एक बार नाम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले जो डेवलप की गई थी वो थी पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बाद अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बाद आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल,
उसके बाद त्रिशूल, सरफेस टू एयर मिसाइल, नाग एंटी टैंक मिसाइल। नाग एंटी टैंक मिसाइल ये सक्सेसफुल उतनी नहीं हुई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी और ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पे था कि एक बार गई तो वो ख़त्म है, या तो टारगेट पे लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन उसे हम दोबारा मेरे किसी काम की नहीं रहेगी और लगभग इसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, वो सब वेस्ट हो जाता है। और नाग एंटी टैंक मिसाइल के बाद ब्रह्मोस हमारी क्रूज मिसाइल है, और ब्रह्मोस 1 ब्लॉक 3 ये इसका एडवांस वर्जन है, एक सौर्या मिसाइल है, संगारिका है, सुदर्शन है, और सब कुछ बम्स हैं, प्रहार मिसाइल है। तो अस्त्र वस्त्र ये सब मिसाइल है जो एयरफोर्स यूज़ करते हैं सुखोई विमानों में, और एंटी सैटेलाइट वेपन्स वगैरह पे भी DRDO काम कर रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इस ये सर्विस में है। पृथ्वी 1 जो है हमारा वो 1994 से, जिस ईयर में मैं पैदा हुआ था उस समय से, और इसको DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। इसके 3 वर्जन्स हैं, पृथ्वी 1, 2, 3, और 1988 में पृथ्वी 1 जो है टेस्ट मतलब सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, 1996 में पृथ्वी 2 को, और 2004 में पृथ्वी 3 को। और लगभग 30 ऐसी मिसाइल्स अब तक बनाई जा चुकी हैं 2017 के हिसाब से, 2018 की मैं बात नहीं कर रहा। उसके बाद इसकी लेंथ 9 मीटर की है, सब इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक जो है क्या कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका रेंज कितना है ये इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर पूछता है। तो पृथ्वी 1 का जो रेंज है वो 150 किलोमीटर का है, पृथ्वी 2 का 250 से 350 किलोमीटर है, और पृथ्वी 3 का या थर्ड का 350 से 600 किलोमीटर है। और इसका जो लॉन्चर है वो 8x8 मतलब 8 टायर वाला टाटा ट्रक का ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर, मतलब टाटा वालों ने एक लॉन्चर बनाया है जिसके थ्रू ये मोबाइल मतलब मिसाइल है ट्रक पे लगी रहेगी और वहीं से वो लॉन्च हो जाएगी जहाँ से भी आप चाहेंगे। तो पृथ्वी ये एक टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शॉर्ट रेंज होता है 100, 200, 300, 400 किलोमीटर से शॉर्ट रेंज बोलते हैं, कुछ 1000 किलोमीटर्स को इंटरमीडिएट रेंज बोलते हैं, और उसके ऊपर जो होता है वो इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज होता है। 3 तरह की रेंज होते हैं मिसाइल्स में, ठीक है। तो DRDO के द्वारा डेवलप की जा रही है। तो ये मतलब सरफेस टू सरफेस में मिसाइल है, मतलब सरफेस से सरफेस पे ही उसको क्या कहते हैं लॉन्च किया जाता है किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए। तो ये मेन था पृथ्वी में। वर्जन 1 को SS-150 कहते हैं, उसके बाद SS-250 कहते हैं, SS-350 कहते हैं, 150, 250, 350 अकॉर्डिंग टू पृथ्वी 1, 2 एंड 3। पृथ्वी मिसाइल्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो एक मिसाइल आती है त्रिशूल, ये भी एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है त्रिशूल, और ये जो डेवलप किया गया है ये भी DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये भी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो बी यूज एज एन एंटी सी स्किमर फ्रॉम द शिप अगेंस्ट द लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट अटैकिंग मिसाइल्स, मतलब जैसे कि छोटे एयरक्राफ्ट्स हैं या फिर छोटे मिसाइल्स हैं जो कि लो फ्लाई करते हुए अपने दुश्मन देश के हैं और अपने शिप के पास हैं, तो ये हम शिप से लॉन्च कर सकते हैं। इसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती है, ऑपरेशनल रेंज की 9 किलोमीटर के लगभग है, तो वो ये उसको आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका वेट लगभग 130 किलोमीटर होता है, और ये भी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और DRDO की हेल्प से बनाया गया है, और ये इंडियन आर्म फोर्सेज यूज़ करती हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है। तो ये त्रिशूल मिसाइल थी। उसके बाद हम बात करते हैं आकाश मिसाइल की। आकाश मिसाइल जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है। तो आकाश मिसाइल जो है ये एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब सरफेस से अगर हमें किसी टारगेट को आसमान में हिट करना है, चाहे वो कोई मिसाइल हो, चाहे वो कोई एयरक्राफ्ट हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो हम इसका यूज़ करते हैं और या कर सकते हैं, ठीक है। और इसे भी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और DRDO ने मिलकर बनाया है, साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी इसमें अपना सहयोग दिया है। और ये इसका जो रेंज है वो 30 किलोमीटर है, और ये 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जा करके किसी एयर ऑब्जेक्ट को, एयर में जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है, नेवी इसे यूज़ नहीं करती है, और 2009 से ये अभी तक अपने मतलब हमारे यहाँ सर्विस में है। और ऐसी 3,000 मिसाइल्स को डेवलप किया गया है। इसका 720 ग्राम लगभग वेट होता है। लेंथ डायमीटर ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे मैं नहीं बता रहा हूँ। बस देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, नाम सरफेस टू एयर है, सरफेस टू ग्राउंड है, सरफेस टू सरफेस है, मतलब जो भी है वो बैलिस्टिक है कि क्रूज है, और उसकी रेंज क्या है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक चीज़ और आप जान सकते हैं तो डेवलप कब की गई थी या जो है वो, लेकिन वो भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं नाग मिसाइल की।
इसको कोबरा भी कहते हैं, ठीक है, नाग मिसाइल को कोबरा भी कहा जाता है। और ये इंडियन थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। देखिए, ये एक पेपर पेपर में पूछा है, मैंने एक बार एक पेपर दिया था तो पूछा था कि फायर एंड फॉरगेट कौन सी मिसाइल है, तो नाग मिसाइल होती है। तो नाग मिसाइल की जो है ये टॉप अटैक मिसाइल है, विद अ रेंज ऑफ 3 to 7 किलोमीटर, से 3 से 7 किलोमीटर के लिए ही बस बनाई गई है। और इसके एक यूनिट की लगभग कॉस्ट आपको मैं बता दूं, वो है लगभग 5 लाख US डॉलर्स पर यूनिट। और एक बार आपने लॉन्च कर दिया, उसका मामला ख़त्म हो गया। और उसे आप इसको आप BMP-2 प्लेटफॉर्म की मिसाइल कहते हैं। और तो नाग मिसाइल जो है, ये जो है अभी तक किसी भी सर्विस में उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, अभी टेस्टिंग फेज में ही है। 42 किलो इसका वेट है और इसका ऑपरेशनल रेंज जो है वो 400 500 मीटर से लेकर के 4 किलोमीटर तक है। और एयर लॉन्च वाला जो वर्जन है वो 7 से 10 किलोमीटर तक है। इसके दो वर्जन है, लैंड वर्जन है और एयर वर्जन है। एयर वर्जन में 7 से 10, जो मतलब एयर वर्जन मतलब कि ऐसा नहीं कि वो एयर में जा कर के डिस्ट्रॉय करेगा, एयर मतलब वो हेलीकॉप्टर वगैरह के थ्रू, एयरक्राफ्ट वगैरह के थ्रू फायर किया जाएगा। और लैंड वर्जन जो लैंड से लॉन्चर व्हीकल से उसको लॉन्च किया जाएगा, उसका वर्जन 4 किलोमीटर होता है इसका रेंज, ठीक है। इसको जो लॉन्च पे आपका प्लेटफॉर्म है वो एक है नाग मिसाइल कैरियर, और जो लैंड लॉन्च के लिए यूज़ किया जाता है, और जो एयर लॉन्च के लिए यूज़ किया जाता है वो है हाल रुद्रा हेलीकॉप्टर। हाल होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जो कि एरोप्लेन्स वगैरह, फाइटर प्लेन्स वगैरह बनाते हैं, सुखोई के असेंबलिंग वगैरह वही करता है। और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो हमारा है उसके ऊपर प्लानिंग की जा रही है उसको लगाने की, ठीक है। तो ये इसके बात थी। इसमें दो वर्जन्स हैं, नमिका हेलिना, तो ये आप याद रखिएगा, नमिका हेलिना वही है, एक टैंक डिस्ट्रॉयर जो लैंड से होता है, हेलिना जो है वो 7 से 8 किलोमीटर हालद्रू हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो ये नाग मिसाइल की बात हो गई हमारी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट अब हम बात करने जा रहे हैं एक मिसाइल के बारे में, वो है हमारी अग्नि मिसाइल। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है हर जगह और सबसे ज़्यादा ईजी है। अग्नि मिसाइल में हमारे टोटल 6 मिसाइल सब तक डेवलप की गई हैं। अग्नि मिसाइल जो है ये मीडियम टू इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज, मतलब कि ये आप सबसे कम से लेकर के मीडियम मतलब 1000 किलोमीटर मान लीजिए, 700 800 900 किलोमीटर मिनिमम से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक के वर्जन साइंस में। और ये याद करना एकदम इजी है, ठीक है। जैसे कि अग्नि 1 मिसाइल की अगर हम बात करते हैं, तो अग्नि 1 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती है, MRBM, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये 700 से 900 किलोमीटर इसकी रेंज होती है, आप मैक्सिमम 1000 किलोमीटर भी आप ले सकते हैं। तो अग्नि 1 को आप क्या याद रखेंगे, 1 मतलब 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। अग्नि 2 की रेंज होती है 2000 से 3000 किलोमीटर, तो अग्नि 2 मतलब 2000 से 2000 के आसपास। अग्नि 3 ये 3500 से 5000 किलोमीटर की मानी जाती है, तो अग्नि 3 3 से मतलब जो 3000 के आसपास हो। अग्नि 4 ये जो है, अग्नि 4 आपकी 4000 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 3000 से 4000 किलोमीटर के आसपास। तो 4 मतलब आप 4000 याद रखिएगा। और अग्नि 5 जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये मतलब कि दूसरे कॉन्टिनेंट में तक इसकी रेंज है, और इसकी रेंज है 5000 से 8000 किलोमीटर। तो अग्नि 5 5000 to 8000, और अग्नि 6 8000 से 10000, लगभग 10000 याद रख लीजिए अग्नि 6 की। ये अंडर डेवलपमेंट है, बाकी अग्नि 4 और 5 ये टेस्टिंग पीरियड में है, और अग्नि 1 2 एंड 3 ये ऑपरेशनल है, ठीक है, सर्विस में एक्टिव है। और इसको बनाने में भारत DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने वो किया था। और जो अग्नि 1 और 2 की जो यूनिट कॉस्ट है वो 250 मिलियन और 350 मिलियन डॉलर, मिलियन रुपए है, और 3.5 मिलियन डॉलर कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। और रेंज की हमने बात कर ली, रेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका लॉन्चर है 8x8 टेट्रा टेलार ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर, ठीक है, वो आपको इमेज में दिख जाएगा। मैं बीच बीच में सारा इमेज और जो भी मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर इमेज आती रहेगी, जो ये वाला सेक्शन है आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो अग्नि मिसाइल के बारे में हमने बात कर ली, ये मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज में आती है, इसमें 6 टाइप्स के इसके वर्जन हैं, और ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो अग्नि 1 2 3 ये सब हो गया अब इसको हम लोगों ने, और ये न्यूक्लियर वॉरहेड इसका कैपेबल है, आप इसे न्यूक्लियर बॉम्ब भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही
भारी भरकम मिसाइल्स होती हैं ये, बहुत बड़ी बड़ी, एक ट्रक पे एक मिसाइल आती है, ठीक है। उसके बाद अग्नि मिसाइल की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट मिसाइल्स की। बात कर ली ब्रह्मोस मिसाइल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मोस पे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कंपटीशंस के लिए, ठीक है। तो ब्रह्मोस जो है वो ज्वाइंट वेंचर है DRDO और रसिया की एक कंपनी है NPO, उसका ब्रह्मोस प्रोग्राम एम्स टू एट क्रिएट अ रेंज ऑफ मिसाइल सिस्टम डिराइव्ड फ्रॉम दी याखोंट मिसाइल सिस्टम। याखोंट मिसाइल सिस्टम है रसिया की, तो उसी से रिलेटेड ये एक मिसाइल सिस्टम है जो भारत और रसिया मिलकर बना रहा है, और इसका नाम है ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस में जो BRAH है, मतलब ब्रह्म, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी से लिया गया है, और जो अंतिम का MOS मोस है वो मॉस्कोवा नदी है, वहाँ पर रसिया में, मॉस्को के आसपास होगी मॉस्कोवा नदी शायद, तो ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, मॉस्कोवा नदी है वहाँ पर। तो ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा नदी के नाम को मिलाकर ये मिसाइल का नाम रखा गया है ब्रह्मोस, और ये प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ी सफलता है भारत और रसिया दोनों की। इंडियन नेवी हैज़ ऑर्डर दी ब्रह्मोस नेवल वर्जन, और ब्रह्मोस का एक नेवल वर्जन भी बनाया जा रहा है, और एक एयरक्राफ्ट लॉन्च करने वाला भी वर्जन बनाया जा रहा है, और ये जो है स्लैंट लॉन्च और वर्टिकल लॉन्च, तो दोनों तरह के लॉन्च, मतलब जैसे कि वर्टिकल डायरेक्ट ऊपर जाता है, जो पनडुब्बी वगैरह से निकलता है, डायरेक्ट निकला समुद्र से बाहर और अपने निशाने की ओर चला गया, और एक होता है जो हमारे ट्रकों से, लॉन्चरों से हम लोग लॉन्च करते हैं वो, ठीक है। इंडियन आर्मी हैज ऑर्डर 2 रेजिमेंट वर्थ ऑफ लैंड लॉन्च मिसाइल्स फॉर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, एंड एन एयर लॉन्च वर्जन इज इन डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स Su-30 MKI एंड नेवीज Tu-142 लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट। तो Su-30 MKI जो भारत का इस समय का फ्रंट सबसे आगे रहने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है, सबसे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट है, इसके बाद अब राफेल आने वाला है, उसके बाद 5th जनरेशन हम लोग सुखोई जो है उसको डेवलप कर रहे हैं रसिया की मदद से, और AMCA ये एक एयरक्राफ्ट और आने वाला है, और इसके अलावा नेवी का Tu-142 लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है, इसमें भी उससे भी इसको लॉन्च करने के लिए कैपेबल एक वर्जन बनाया जा रहा है। और DRDO इस रिस्पॉन्स इसमें क्या किया है, DRDO रिस्पॉन्सिबल है इसके नेविगेशनल सिस्टम के लिए, ठीक है, और एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स प्रोपल्जन एयर फ्रेम स्पीकर्स प्लस इट्स फायर कंट्रोल सिस्टम मोबाइल कमांड पोस्ट एंड ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर, ये इतनी चीज़ें इस मिसाइल्स की जो हैं वो DRDO द्वारा डेवलप की गई हैं, ठीक है। और दी हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि ओरिजिनल ब्रह्मोस से 2-4 कदम आगे ही होगा, और इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 5 to 7 मैक। 5 to 7 मैक का मतलब है जो आवाज़ की हमारे रफ्तार होती है, अब ये कितनी होती है ये आप लोग कमेंट बताइए, ठीक है। हमारे जो ध्वनि की रफ्तार होती है वो कितनी होती है, तो 1 मैक मतलब ध्वनि की रफ्तार के बराबर, 2 मैक मतलब ध्वनि की रफ्तार से दुगनी, 3 मैक इसी तरह, 5 से 7 मैक यानी 5 से 7 गुनी तेज, मतलब मैं बोल रहा हूँ और आप तक की आवाज़ पहुँच रही है, इससे 5 से 7 गुनी तेजी से ब्रह्मोस जो अल्ट्रासोनिक सॉरी हाइपरसोनिक मिसाइल होगी वो चलेगी। उसके बाद एक ब्रह्मोस 1 ब्लॉक 3 एक तरह का एक वर्जन है, ये 290 किलोमीटर रेंज का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि 2 दिसंबर 2010 को इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है, ठीक है। तो ये ब्रह्मोस के बारे में इतनी जानकारी थी। उसके बाद सौर्या की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। सौर्या मिसाइल जो है, तो सौर्या मिसाइल, सौर्या मीन्स होता है वेल्योर, इंग्लिश में वेल्योर कहते हैं, तो वेल्योर अगर कहीं पर आपको सुनामी सुनटानी में या कहीं पूछ देता है तो आप उसके लिए, या आपको एक और ज्ञान मैंने दे दिया है, तो वेल्योर ये है, ये एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है, ठीक है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड वाली सरफेस से सरफेस पे टारगेट करने वाली एक मिसाइल है, और ये DRDO द्वारा ये भी बनाई गई है, और ये इंडियन आर्म फोर्स जो है इसको यूज़ करती है। देखिए DRDO के अलावा कई मिसाइल्स और भी हैं जैसे हम दूसरे देशों से परचेस करते हैं, जैसे अभी हम लोग S-400 पूरा मिसाइल सिस्टम खरीदने वाले, परचेस करने वाले हैं रसिया से, तो इसलिए वो सब अभी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जनरली हम बात कर रहे हैं जो DRDO से रिलेटेड है, ठीक है। तो सिमिलर टू ब्रह्मोस सौर्या इज स्टोर टू कंपोजिट कंस्टेनर, ठीक है, और ये भी लगभग लगभग ब्रह्मोस जैसी ही एक मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद एक आता है सांगारिका, सांगारिका ये K-15 इसको कहते हैं, K-15 सांगारिका, ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब ये सबमरीन पानी के अंदर से लॉन्च की जा सकती है, और K-15 मिसाइल फैमिली पूरा एक सीरीज है मिसाइल्स का, और इसकी रेंज जो है 750 किलोमीटर्स की है, ठीक है, 750 किलोमीटर्स की है, और संगारिका कैन कैरी अ पेलोड ऑफ अप टू 500 kg तक का ये बॉम्ब
कैरी कर सकती है, वो न्यूक्लियर बम भी हो सकता है, नॉन न्यूक्लियर बम भी हो सकता है। और ये हैदराबाद में डेवलप किया गया है, जो DRDO का मिसाइल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, ठीक है। तो संगारिका के 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आता है, मैं खुद भी एक दो एग्ज़ाम में मुझे ध्यान है कि आया था। तो K-15 ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। सबमरीन लॉन्च मीन्स पनडुब्बी से आप इसे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग, इसको इसका जो लॉन्चर है उसको प्रोजेक्ट 420 के नाम से, P420। उसके बाद DRDO का ग्लाइड बम एक जो है वो कर रहा है, जिसका नाम गुरुत्मा एंड गरुड़ा है, और वो लगभग 1000 kg का ग्लाइड बम है, और ये इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड ग्लाइड बम विद रेंज ऑफ 30 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर्स, ठीक है। ये है, अब इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी है नहीं और ज़्यादा जानकारी की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। उसके बाद प्रहार एक मिसाइल है, प्रहार इज अ सॉलिड फ्यूल्ड सरफेस टू सरफेस गाइडेड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाई DRDO ऑफ इंडिया, एंड इट वुड बी इक्विप्ड विद ओमिनी डायरेक्शनल वॉरहेड्स एंड कुड बी यूज फॉर हिटिंग बोथ टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिकल टारगेट्स। इट हैज़ अ रेंज ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर, से लगभग इसका 150 किलोमीटर का रेंज है प्रहार मिसाइल का, और इट वॉज टेस्ट फायर सक्सेसफुली ऑन 21 जुलाई 2011 फ्रॉम चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। उसके बाद बराक 8 नाम की एक मिसाइल के ऊपर DRDO काम करने की सोच रहा है, ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। उसके बाद अस्त्रा है, अस्त्रा एक छोटी स्मॉल मिसाइल है जो कि एयर टू एयर है, ठीक है, और एक्टिव रडार, मतलब ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल है कि जो आपको नहीं दिख, जैसे पायलट एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है कई किलोमीटर दूर भी अगर कोई एयरक्राफ्ट उसके रडार पे आ रहा है तो वो अपने आप उसको ट्रैक करके लॉक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल ये भी है, और अभी कुछ दिनों पहले ही इसकी टेस्ट फायर हुई थी, कुछ दिनों पहले मतलब लगभग साल भर पहले वहाँ पर हुई थी, राजस्थान में बाड़मेर के आसपास कहीं, मतलब जो रेगिस्तान वाला इलाका है जोधपुर के आसपास वहीं पे। उसके बाद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट सिस्टम पूरा एक बनाया जा रहा है, जो एंटी मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर मारता है, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम है रसिया का, जिसने अभी हाल ही में टर्की के ऊपर एक फाइटर प्लेन को मार के गिरा दिया था, और उससे पहले यूक्रेन के ऊपर एक पैसेंजर प्लेन को मार के गिरा दिया था। वो क्या होता है, वो कहीं एक जगह प्लेस्ड होता है और वो अपने आप उसकी रेंज में जो आएगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप एक्टिवेट होकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है दुश्मन समझ के। बताइए पैसेंजर्स 200 कुछ पैसेंजर्स मार दिए कर गए थे यूक्रेन के ऊपर जो रसिया के पास है, ठीक है, सॉरी शायद पोलैंड के ऊपर, मुझे माफ़ करिएगा मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, यूक्रेन या पोलैंड के ऊपर ऐसा हुआ था, और ये पुरानी बात हो गई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फिर उसके बाद एंटी सैटेलाइट वेपन भी हम लोग बनाने की वो तैयारी करेंगे, जैसे अगर कोई सैटेलाइट हमारी जासूसी करता है, कुछ करता है, हमारा शक है, तो हम उसको यहीं से डायरेक्ट उड़ा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, अगर क्योंकि अगर किसी मिसाइल तो होता क्या है कि वहाँ कचरा फैल जाएगा और वो बाकी और सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुँचाएगा। अगर आपने ग्रेविटी मूवी देखी होगी तो उसमें वो चीज़ समझाई गई है, अगर आपने नहीं देखी तो मूवी देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है वो, ठीक है। तो ये तो दोस्तों ये था सैटेलाइट के बारे में सारी जानकारी, सारी तरह की सैटेलाइट्स मैंने आपको बता दी, बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल के बारे में बता दिया, आने वाले डेवलपमेंट्स और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक दबाने में कंजूसी ना करें, क्योंकि उसी से मेरी मेहनत का फल मुझे मिलता है, ठीक है। वो लाइक है तो ही मतलब एक तरह से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं लोग हमारी वीडियोस पसंद कर रहे हैं। अब पता लगा देख लिया 1000 लोगों ने लाइक कर लिए 10, तो उस पर मज़ा नहीं आता है। और आप लोग इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको किसी टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ पर आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करूँ। और आप लोग नोट्स भी बनाते चलें, मैं ऐसा नहीं कि आप मेरा वीडियो देख ले रहे खत्म हो जा रहा, वीडियो देखते रहें, साथ में एक कॉपी एक पेपर ले लें, A4 साइज़ का पेपर ले लें, कोई कॉपी ले लें, और उसको नोट करते हुए चलें जो जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट उसमें लगती हैं या फिर मैं कहता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा कि बार बार वीडियो पूरा देखना 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो हो जाता है, आप उसको देखेंगे तो आपका समय वेस्ट होगा, मैं नहीं चाहता आपका समय वेस्ट हो, आप एकदम शॉर्ट में उसकी नोट्स एकदम मेरे बताए मैं जैसे बताता चलता हूँ अकॉर्डिंग उसके तैयार करते रहिए, उसके बाद आप उसे बस एक बार रिवाइज करिए हफ्ता 10 दिन में महीने भर में, और वो आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है, और आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो
बने रहिए साथ में, कुछ दिनों में मैथ, इंग्लिश और बाकी रीजनिंग की भी क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप लोग इस परीक्षा में सफल होंगे या फिर आने वाली और भी सारी कई परीक्षाओं में सफल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय। जय हिंद।